नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर एक बार इंजन ज्ञान आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया है। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 KVA स्वराज इंजन के बारे में, जिसका मॉडल है PV4। रेटेड आउटपुट है 5.9 किलोवाट, BHP 8 है, RPM 1600 है, क्लास ऑफ गवर्निंग 251 है। फ्यूल इसमें पड़ेगा हाई स्पीड डीजल। लुबल का जो ग्रेट है वो है SAE 3040 मल्टी ग्रेट। सिलेंडर 1 है, एयर कूल इंजन है। इसमें एक डीजल फिल्टर लगा हुआ है, एक लुबल फिल्टर लगा हुआ है, एक ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर लगा हुआ है जिसमें कि 50 ग्राम लुबल डालना होता है, और इंजन है ISI मार्का वाला। इसमें जो AC अल्टरनेटर लगा हुआ है, जिसे हम AC जनरेटर भी कहते हैं, वो है KVA 5 फेज सिंगल है, हर्ट्ज 50 है, वोल्टेज 230 है, RPM 1500 है, ओरिजिनल कॉपर की वाइंडिंग की गई है इसके अंदर, और ये डायोड टाइप अल्टरनेटर है। और आपको एम्पियर जो मिलता है वो मिलता है 20, और इसका जो प्राइस है एयर कूल का प्राइस है 59,100 रुपया। वाटर कूल अगर आप 5 KVA का इंजन लेंगे तो आपको पड़ेगा 61,900 रुपया, और सेल्फ स्टार्टेड लेंगे तो उसके अलग से पैसे आपको देने पड़ेंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 KVA जनरेटर से आप क्या क्या अपने घर में चला सकते हैं और आप इस पे कितना लोड डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर आप घर में 60 वाट का बल्ब 5 जलाते हैं, 60 वाट का 5 बल्ब जला सकते हैं जिसका वाटेज होगा 300। उसके बाद आप ट्यूब लाइट जला सकते हैं 50 वाट का 6 पीस जिसका पूरा वाटेज होगा 300। उसके बाद आप पंखे 60 वाट के 5 चला सकते हैं जिसका फुल वाटेज होगा 350। उसके बाद आप टीवी चला सकते हैं 110 वाट का 1, जिसका पूरा वाटेज होगा 110। उसके बाद आप कोई बड़ा फैन 50 वाट का 1 चला सकते हैं जिसका पूरा वाटेज होगा 50। उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर 280 वाट का 1 चला सकते हैं। वैसे तो आजकल रेफ्रिजरेटर 4 स्टार 5 स्टार आने लगा है जिसमें बिजली की खपत बहुत कम हो गई है, जिसका पूरा वाटेज होगा 280। उसके बाद आप वॉशिंग मशीन 600 वाट का 1 चला सकते हैं जिसका पूरा वाटेज होगा 600। उसके बाद आप कूलर 250 वाट का 1 चला सकते हैं जिसका पूरा वाटेज होगा 600। उसके बाद आप जेट पंप या समरसेबल 1500 वाट का 1 चला सकते हैं जिसका पूरा वाटेज होगा 1500। अगर हम इन सारी घरेलू उपकरणों के वाटेज को जोड़े तो होता है बल्ब 300, ट्यूब 300, पंखे 300, टीवी 110, पंखा 50, रेफ्रिजरेटर 280, वॉशिंग मशीन 600, कूलर 500, समरसेबल 1500, टोटल होता है 3990 वाट होता है, जो लगभग 4 किलोवाट के आसपास होता है। इतने सारे उपकरणों को आप घर में चला सकते हैं। इतनी सारी उपकरणों को चलाने के लिए आपको अपने घर में कम से कम 5 KVA का जनरेटर लेना चाहिए या लेना होता है। कभी भी आपको वास्तविक आवश्यकता से 20% बढ़ाकर जनरेटर लेना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में दूसरा जनरेटर ना लेना पड़े अगर आपके घर का कुछ लोड बढ़ जाता है तो। और जनरेटर लेने से पहले अपने घर की सारे वाटेज को अच्छे से कैलकुलेट कर ले, उसके बाद ही जनरेटर ले। आप जनरेटर कोई भी ले सकते हैं, ओपन जनरेटर या साइलेंट डीजी सेट भी आज के डेट में आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ मैं फिर आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
आइए मैं आपको 5 KV ऑल्टरनेटर का प्राइस बता देता हूँ। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि लोग पूछते हैं कि 5 KV ऑल्टरनेटर का प्राइस बताइए, 5 KV इंजन का प्राइस बताइए। तो 5 KV जनसेट का प्राइस तो मैंने बता ही दिया, तो आइए मैं आपको ऑल्टरनेटर के बारे में बता देता हूँ और उसका प्राइस भी बता देता हूँ। 5 KV PDPL स्वराज का जो ऑल्टरनेटर है उसका मॉडल है SS500A, KVA 5 है, किलोवाट आपको 5 मिलेगा। सिंगल फेज 230 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज, 0.8 पावर फैक्टर, RPM 1500 है और ये रेजिस्टिव टाइप ऑल्टरनेटर है और इसका जो प्राइस है वो है 31,100 रुपया MRP है, लेकिन आपको डिस्काउंट करके डीलर के पास ये आपको मिल जाएगा 24,880 रुपये में। तो अगर किसी भी भाई को मेरे ऑल्टरनेटर चाहिए तो आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं और आपको इस प्राइस में आपको ऑल्टरनेटर मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया 24,880 रुपया इंक्लूडिंग GST आपको ऑल्टरनेटर मिल जाता है। और वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि ऑल्टरनेटर कितना शानदार है, PDPL का ओरिजिनल ऑल्टरनेटर है। जैसा कि PDPL के हर ऑल्टरनेटर में PDPL का मार्का होता है, हुक लगा होता है और क्वालिटी देखने से ही पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो PDPL का जो ऑल्टरनेटर होता है उसमें हमेशा PDPL का मार्का होता ही है। ऑल्टरनेटर के कवर के ऊपर भी होता है, ऑल्टरनेटर के बैक साइड में भी होता है और जहाँ से कपलिंग लगाते हैं आप वहाँ भी PDPL का मार्का होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।